अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आग लगा रहे हैं तो क्या हुआ, पत्थरबाज थोड़ी हैं ये, भटके हुए युवा हैं, मुसलमान थोड़ी है। भारत में हर रोज नया तमाशा देखने को मिल रहा है। अब जब अग्निपथ के नाम पर हर जगह पर तशद्दुद देखा जा रहा है तो सवाल भी उठने शुरू हुए हैं कि क्या वाकई सरकार ऐसी योजनाएं किसके कहने पर लाती है। भाजपा के कई आला लीडरों ने ये भी कहते हुए देखा गया कि भारत सरकार अग्निपथ नाम की जो योजना लाई है इसको समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लिहाजा ये कहना भी गलत ना होगा कि सिर्फ मोदी सरकार ही समझ कर खुद ही इस तरह के फैसले क्यों लेती है। इससे पहले भी तीन काले कृषि कानूनों के बारे में भी यही कहा था कि इसे समझने के लिए वक्त चाहिए। ये अच्छा है कि खुद कांग्रेस पार्टी कमजोर विपक्ष और माजूर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी की ईडी की जानिब से कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है, वरना तो कांग्रेस ही इस तशद्दुद के पीछे होने की बात तमाम भाजपा के लीडर कहते हुए देखा जा सकता था। लेकिन अब भी वही राग अलापा जा रहा है कि इसके पीछे विपक्ष है। जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो विपक्ष को डराने और फिर डराकर कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए सरकारी मोहकमाओं को पीछे लगाने की मुहिम पर भाजपा लग चुकी है। खैर, अब जब अग्निपथ को लेकर अग्निवीरों ने आग बरसाना शुरू किया है तो क्या इन अग्निवीरों के घरों पर भी बुलडोजर घुमाए जाएंगे कि मांग बढ़ने लगी है, या फिर ये तमाम मुसलमान ना होने की बिना पर इनके लिए कोई नया कानून होगा। क्योंकि जब मुसलमानों पर मस्जिदों से पत्थर फेंकने का इल्जाम लगाकर या तो इनकी गिरफ्तारी कर बेरहमी से घुटने तोड़े जाते हैं, सैकड़ों नौजवानों पर एनएसए जैसी दफाएं लगाकर जेलों में ठोस दिया जाता है, पर क्या अब अग्निपथ की मुखालफत करने वाले पत्थरबाज नौजवानों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गश्त करते देखा जा रहा है। आज कई रेलों में आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया। अब खुद ही मीडिया कहां है जो सुबह शाम मस्जिदों से पत्थर आने की बात कर रहे थे, अब क्यों डिबेट नहीं की जाते। मतलब हर जुमा के बाद शनिचर आता है, इसका ख्याल इन दोगले और दलालों को रखना चाहिए। कहां है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? लिहाजा सोशल मीडिया पर इस पर कईयों ने अपनी राय पेश करते हुए देखा जा रहा है। एक्टिविस्ट सफूरा जरगर ने ट्विटर पर लिखा है कि पुलिस ने इन दंगाइयों पर गोली क्यों नहीं चलाई, बड़ी संख्या में FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, रिकवरी कब होगी, NSA UFPA कहां है, कम से कम बुलडोजर ही चला लो। इसी तरह सलमान निजामी ने ट्विटर के जरिए कहा कि मोदी जी दंगाइयों को कपड़ों से पहचानिए। वाजा रहे कि 2019 में CNRC को लेकर वजीर आजम मोदी ने दंगाइयों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हुए मुसलमानों पर निशाना साधा था। किसानों ने भी आंदोलन किया था, देश में इससे पहले भी बहुत से दंगे हुए, आप एक समुदाय के पीछे पड़े हैं, ऐसा भी सलमान निजामी ने कहा ताकि आप उनकी आवाज को दबा सके। सहाफी रोहिणी सिंह ने योगी को ट्वीट के जरिए कहा कि उम्मीद करते हैं योगी बुलडोजर की तैयारी में लगे होंगे। इसी तरह बुजुर्ग सहाफी राजदीप सरदेसाई ने भी योगी और मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि मोदी सरकार सिलेक्टिव है, लिहाजा अब ये दंगाई ने नजर नहीं आते, सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलाए जाते हैं। अब जब अग्निपथ की राह पर आग लगाई जा रही है, इनके लिए मोदी योगी सरकार क्या कहती है? भाजपा प्रवक्ता अपराजिता सारंगी बुलडोजर के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब में कुछ अजीब कहा, आप किससे तुलना कर रहे हैं, यानी कि किससे मुआजना कर रहे हैं, यानी कि क्या ये दंगाई, यानी कि जो दंगा किया जा रहा है या पथराव किया जा रहा है, क्या इससे मुसलमानों से मुकाबला करेंगे, इस तरह की बात ये शायद कहना चाहती थी। इसी तरह वाराणसी के कमिश्नर सतीश भारद्वाज ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत है कि किस तरह की मानसिकता सोच फिक्र का मुजाहरा किया जा रहा, किस तरह की एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त ये पूरा एक महकमा नजर आ रहा है। समझ सकते हैं, अगर मुसलमान करे तो दंगाई फसादी, और अगर कोई और करे तो हमारे बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। मतलब बात साफ हो रही है कि धर्म की बुनियाद पर कानून और जब्ते बदल दिए जाते हैं। एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना की मुखालिफत में एहतजाज करने वाले नौजवान साफ कह रहे हैं कि अगर इस कानून को वापिस नहीं लिया गया तो हम दहशतगर्द बन जाएंगे। अब इसे क्या कहा जाएगा? क्या इन पर भटके हुए कहकर शफकत का हाथ इनके सरों पर फेर दिया जाएगा, और उन बेचारे मुस्लिम नौजवानों को बेरहमी से घुटने तोड़ने वाले पुलिस अफसरान पर कितनी कार्रवाई की गई, या इन्हें यौम आजादी के मौके पर कोई पुरस्कार या एजाज से नवाजा जाएगा जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था? आज कुल 300 ट्रेनों को रद्द किया गया, कई जगहों पर तो आप पत्थरों की बारिश को देख सकते हैं। अग्निपथ की महज 4 साल के लिए ये क्यों बनाई गई थी, आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये अलग तहकीक की मौजूद है। लेकिन अब हुकूमत को अग्निवीरों के तशद्दुद का जवाब देना काफी मुश्किल हो सकता है। ये भी उतना ही सच है कि जब हुकूमतें ही अंधी बहरी गूंगी बनने
लगे तो कहां फरियाद की जाए, और जब धर्म के आड़ में ही सब कुछ होने लगे तो मामला और भी मुश्किल हो जाता है। इतना जरूर है कि बुलडोजर तहजीब की दुआई देने वाले और इसकी हिमायत करने वाले फिलहाल तो खामोश है, और इनकी खामोशी बहुत कुछ बयान करती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी, कहां नहीं लेगी, नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है, इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। सूर्या ट्रेन में आग लग गया है। अरे आ रहा सर, आ रहा, पानी आ गया, पानी आ गया, आ गया, पाइप से निकालो, पाइप से Right.